Welcome everyone to the Project ReSound web concert. हम बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे थे and I want to genuinely thank you all for being with us in this journey which is very very special to not just Kailasa, Kailash ji, me and I think all music lovers put together. I'm really happy that we have finally arrived here and this is going to be a very very special concert for all of us. ये जर्नी शुरू हुई थी आप सबके साथ प्रोजेक्ट रीसाउंड सोनी इंडिया के साथ. द आइडिया बिहाइंड क्रिएटिंग नैना चार, जो आपके लिए नैना चार और पूरे के पूरी सीक्वेंस जो आपकी चॉइसेस के गाने अब हम गाने वाले हैं, ये इसलिए हुई थी कि इस दुनिया में प्योरिटी सबको आकर्षित करती है, आपको भी मुझे भी. और हम लोगों ने एक गाना बनाया है जिसको हमारी नज़रों में बहुत ही सोलफुल तरीके से हम लोगों ने साउंड पिरोया उसमें. और हम अपने सच्चे फैंस यानी आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि एक गाना क्रिएट करने में कितना सोचना, कितना समझना, कितनी सच्चाई जोड़नी पड़ती है. और उसके बाद जब आप उसको सचमुच के किसी गैजेट से सुनेंगे तो प्योरिटी ऑफ साउंड आपके कानों तक कैसे पहुंचानी है, ये हमारा मकसद था. और वो मकसद बहुत ही गजब तरीके का रिस्पॉन्स देता हुआ आया है. दूसरी अच्छी बात ये है, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि आप लोगों की जो चॉइस है हमारे बाकी गानों की नैना चार के अलावा, वो भी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि उनमें से काफ़ी गाने मेरे फेवरेट्स भी हैं, कैलाशा के भी फेवरेट हैं. और श्रेया का हमारा इस प्रोजेक्ट में होना बहुत ही गजब रहा. I would just like to say here, I have been extremely honored that I am a part of this project. Kailash ji, Kailasa, they are very pure souls. And इस process में हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत closely, बहुत दिलो जान से मेहनत की है कि हर एक चीज़ perfection तक पहुँचे और उसको हर उस बंदे तक पहुँचाया जाए जो music से लगाव रखता है. So we tried a small little awareness for you all so that you upgrade your ears. एंड मैं चाहूँगी कि कैलाश जी, आपकी तो बड़ी फैन हूँ मैं आपको बहुत दिलो जान से सुनना चाहती हूँ. सो व्हाई डोंट यू स्टार्ट. इट्स एन ऑनर टू एक्चुअली हैव दिस काइंड ऑफ काइंड वर्ड्स फ्रॉम श्रेया. सो डेफिनेटली कैलाशा फॉर यू. ओके, आई विल इंट्रोड्यूस माय बैंडमेट्स. कैलाशा मेरी दाहिनी ओर, परेश कामत ऑन लीड गिटार, एंड अगेन दाहिनी ओर मतलब राइट साइड, होजे नील गोम्स ऑन अकूस्टिक गिटार एंड वायलिन, तपस रॉय ऑन साज एंड मैंडोलिन, संकेत ऑन पर्कशंस एंड तबला, कर्ट पीटर्स ऑन ड्रम किट्स, एंड समीर चिपलुनकर ऑन कीबोर्ड, and none other than Naresh Kamath on bass guitar. So this song comes from western Uttar Pradesh and a little bit of surrounding of Delhi. This song is about Shiv and Parvati. So the tradition in singing this is called Bairagi and Jogi style. And Kailasa has produced it in 2007. Since then, the song is worldwide so popular. Dedicate to you.
हरियामी मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति कर, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। अगर बम 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 लहरी, ओए अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। भोलेनाथ जी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, दिन भर मैं तेरी भंग रगड़ूंगी, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं दतूरा, भंग रगड़ूं तेरा रगड़ूं दतूरा, आज करूंगी तेरा पूरा, हुक्म बजाऊं तेरा पूरा, तुझे पिलाऊं पिवगना दिया, तुझे पिलाऊं पिवगना, और जो बच जावे मैं पी लूंगी, जो बच जावे मैं पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी, अमृत जान समझ पी लूंगी, शरण में ले लो भोलेनाथ, मोहे अपनी बना लो दीनानाथ जी। बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, ओए अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। पार्वती मेरी एक सुनो गोरा रानी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन बन मर जावेगी, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, असम रमाऊं धुनी रमाऊं, आनव कर कर डमरू बजाऊं, गुफा बीच मेरा है डेरार, अभी संभल जाहे गोरार, अभी मान जाहे गोर, मेरे भूत की माला गले पड़ी, मेरे खक्कर माला गले पड़ी, तू तो देखी सडर जावेगी, मेरे संतू क्या पाव, कोई अच्छा कुंवर राजा कटू, कोई रूप कमर राजा कटू, कोई रानी बन के बैठ मैं, तू रानी बन के बैठ मैं, हरी संभल जाहे गोरारी, महा मान जाहे गोरारी, अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, ओए अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी, शंभो तांडरम के शंभो, जो देखे कहना उसके हाथ में चलेगा फेड़ा, अड़ड़ड़ बम पहला गुरु पीछे हम, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, is from our latest album Rangile, and this song is again for longing and waiting in love, but the vibrations are happy, not depressing. All for you.
अवर फर्स्ट सॉन्ग तेरी दीवानी, जो कैलाशा की पहली एल्बम जिसका नाम भी कैलाशा था उस पर आया था। और अभी तक तो वैसे शायद 1.5 मिलियन व्यूज़ इस गाने को मिले हैं, और अभी भी आप लोगों का बहुत प्यार इस गाने को और पूरी एल्बम को ही मिल रहा है एक्चुअली। तो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले ट्रिवियाज हैं, आप बस देखते रहो, कैलाशा का म्यूज़िक सुनते रहो एंड अपग्रेड योर beautiful years. प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को ए मैं जाऊं मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, ओ जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई
This song again is one of your best and favorites. हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं है तो चाहूं संगम तेरा, तेरी सैया तू है मेरा सैया सैया, तू जो झूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं, मेरे नाम से जुड़े सारे प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं, बैठूं नैया गीत की संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं है बढ़ता जा, कोई प्यार से घुंघटिया देता उठा, अब बावरा हुआ मन जग हो गया है रोशन, ये नई नई स्वागत गई है तेरी जोगन, कोई प्रेम की पूज
पुजारन मंदिर सजा चाहूं मैं तो चाहूं संगम तेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं ना जानूं तू ही जाने मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी This song is not only Kailasa's favorite, my favorite, but आप लोगों की चहेती प्यारी श्रेया उनका भी ये फेवरेट सॉन्ग है और आपको ये जानकर बहुत अत्यंत हर्ष होगा खुशी होगी प्रसन्नता होगी मज़ा आएगा कि हम कभी कभी अकेले में श्रेया और मैं ये साथ में गुनगुनाते भी हैं ये हमारी रंगीले एल्बम से ही है कैलाशा की और आप लोगों के लिए दुनिया का चेहरा निहार
को ही पाऊं, पर वो जब भी मेरी ओर देखें चेहरा छुपाऊं, ख्वाबों में हाँ मेरे खुदा रंग भर रहे हैं, उनका जुनून और मेरी जान एक कर रहे हैं। हाय लुटने में कितना मजा है कैसे बताऊं, देखूं खुद को तो जैसे और है कोई मेरे अलबेलिया तू खेलिया, तू सही सही मेरे अलबेलिया तू खेलिया, अलबेलिया मैं तू खेलिया, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपके लिए ये प्रश्न है कि अभी तक के जितने भी हमने गाने गाए हैं उनमें से श्रेया का कौन सा फेवरेट है, आप बताइए। कैलाशा का खुमार तो शायद आप लोगों के सर पे दिख रहा है चढ़ा हुआ बुरी तरह, लेकिन अब आएंगी आपके समक्ष एक ऐसी सुरीली गायिका जिसके नशे में आप बावले हो जाएंगे और शायद आपका हैंगओवर बहुत दिनों तक चढ़ता रहेगा। तो श्रेया, स्टेज इज ऑल योर्स, कम ऑन। Well, it has been a long wait indeed, and I'm really glad that we are here today. And I want to thank you guys for waiting up for me and Kailash ji, and waiting and keeping this energy alive for Naina Char. But today, as we have decided, we're going to do some jamming, some songs of your requests. And there are also the ones which are kind of my favorites too. So we kind of totally went on board together. Thank you. And these are the songs which I'm going to sing for you. And I hope you have a great time today. And before anything else, I must tell you one thing, that music is not just one person's game. It's basically a teamwork. And I would like to introduce my unsung heroes, my band, the people who are the backbone of my concerts, my songs. I want you to, in your TV or your computer, laptops, wherever you are, give a round of applause for my musicians, my band. That's Manas Chaudhary on the bass. Uma Kanparabji on the Indian rhythms percussions. Rahul Rupavate on the Indian rhythms and percussions. Rohan Nadkarni on the drums. Shrikant Pabrikar on the keyboard. Avinash Chandrachur on the keyboard. Pianika. Atanu Gautam on the lead guitar. Here is my sound engineer, Sitchin.
गाना मैं गाऊंगी वो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाना है, बहुत ही खूबसूरत मेमोरीज जुड़ी हुई हैं इस गाने के साथ. आई वॉज़ वेरी फ्रेश जस्ट आउट ऑफ वन फिल्म देवदास, दैट वॉज माई डेब्यू, और उसके बाद ये गाना मुझे मिला और वो भी मेरे बहुत ही चहीते कंपोज़र मिस्टर MM क्रीम, जिनका नाम इन द साउथ इज़ MM कीरवानी, उन्होंने फ़ोन किया और तब बस मेरे देवदास के ही गाने उन्होंने सुने थे, बट ही वॉन्टेड टू कास्ट माई वॉइस इन अ वेरी डिफरेंट वे. व्हेन आई वेंट टू चेन्नई, हम लोगों ने चेन्नई में रिकॉर्डिंग की थी SP बालासुब्रमण्यन जी के स्टूडियो में कोडंडपानी, वहाँ पर मुझे जब ये गाना दिया गया आई गॉट लिटल वरिड इन फैक्ट कि मैं गाना कैसे रेंडर करूँगी. आई वॉज़ वेरी इनएक्सपीरियंस्ड उस तरह के उस स्टाइल के गानों में से. दिस वॉज़ फॉर द फिल्म जिस्म और इट वॉज़ वेरी बोल्ड फॉर दैट टाइम. मुझे जहाँ तक थोड़ा सा उन्होंने ट्राई किया टू गिव मी एन आइडिया कि गाना किस बारे में है, कैसा गाना है, आई वॉज़ ऑल अबाउट 18 दैट टाइम. आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज फॉर श्योर, बट समहाउ आफ्टर ऑल दी वंडरफुल थिंग्स, महेश भट्ट जी वहाँ पे थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया, पूजा भट्ट, दे काइंड ऑफ टोल्ड मी, मुझे जितना समझ में आया मैंने सोचा समझा, आशा जी से थोड़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश की हाउ शी वुड हैव संग दिस सॉन्ग, एंड हेंस कुछ किया, पर जो भी किया वो लोगों को अच्छा लगा, एंड विदाउट हैविंग ट्राइड टू हार्ड टू बी सेंशुअस इन द सॉन्ग इट वर्कड, बिकॉज इट इन अ सेंस इन इट सेल्फ इज सेंशुअस, सो इट वर्कड. And this song is to you guys, Jadoo Hai Nasha Hai from Jism.
Thank you for enjoying the songs that you have been enjoying from the beginning. अगला जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गाने की रिक्वेस्ट मुझे भेजी. ये गाना मेरा बहुत ही ऑफकोर्स शुरू के टाइम का ही गाना है. When I was a fresher, I was a very newcomer, entering the industry almost unaware, very naive. मुझे हमेशा अपने ज़िंदगी में ये चीज़ लगती है कि I've been very fortunate that I had the opportunity to meet good people on the way. And those people who जिन्होंने मुझे कभी blessing दिए हैं, मैंने उनका साथ या हाथ कभी नहीं छोड़ा है. I've always been very grateful to them. ये फिल्म है जहर और इस पिक्चर से कहीं मेरा एक एसोसिएशन जुड़ा विशेष फिल्म्स के साथ. मुकेश भट्ट जी, महेश भट्ट जी, ऑफकोर्स जिस्म हुआ था उसके पहले, एंड साया वॉज अ फिल्म विच आई ऑल्सो सैंग इन, बट दिस सॉन्ग बिकेम अ वेरी बिग सॉन्ग आफ्टर जादू है नशा है. आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से मिलकर. यू नो द होल आइडिया ऑफ डूइंग प्लेबैक सिंगिंग इज़ नॉट सो सिंपल. जो लोग सोचते हैं कि गायकी सीख के ही बस हो जाता है, इट्स नॉट दैट ईजी. यू लर्न सो मेनी थिंग्स वाइल बींग ऑन द माइक फ्रॉम योर को म्यूजिशंस, योर कलीग्स, योर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स. इस फिल्म में जब ये गाना रिकॉर्डिंग मैंने एक बार ऑलरेडी गा दिया था, अनु मलिक जी का म्यूज़िक था, बट इट वॉज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाई अ सॉन्ग ऑफ नूरजहाँ जी. तो ये गाना जब मैंने पहली डबिंग की थी, मुझे नहीं मालूम था ये नूरजहाँ जी का गाया हुआ गाना है. आई हैड डन माई वर्जन एंड आई गॉट अ कॉल द नेक्स्ट डे. महेश भट्ट जी ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया, कहा कि आई वॉन्ट यू टू हियर दिस ओरिजिनल ट्रैक एंड आई वॉन्ट यू टू रेंडर इट लाइक दैट. और जिस तरह से वो उनकी गायकी थी नूरजहाँ जी की, मैडम नूरजहाँ जी, उन्होंने जिस तरह से गाया था, इट वॉज देयर वॉज सो मच सोल इन इट एंड आई इन फैक्ट इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाई ही वांटेड मी टू डब इट अगेन. ये गाना उनकी अदायगी थोड़ी अलग थी. जस्ट गिव मी दैट. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम जी. दैट वॉज द ओरिजिनल सॉन्ग दिस वे. हो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम. अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. तो Of course, I have not been able to recreate what she did, but उस पर जो वज़न है, छोड़ तोड़, और you know, इसमें एक natural expression था. So I kind of learned it in that process, and this was the version which got recorded later, which I'm going to sing for you from the film Zeher, अगर तुम मिल जाओ. Thank you.
it's time for the song which I would say was a lifesaver for me in this year, because I was singing a lot of experimental songs in the whole since the last year, out of which this one song was very, very, you know, it connected to my soul immediately, and I was so glad I got to sing some song like this. Of course, jabhi bhi Rehman sahab ke studio se phone aata hai, tab aapki excitement level kuch aur hi hoti hai. I'm a big fan of his, even before I entered the industry. Par mujhe bilkul idea nahi tha ki jab main studio pahunchungi, gana to Rehman ji ka hoga, to Rehman sahab to rahenge. पर गुलजार साहब भी थे स्टूडियो में, और उनकी कॉम्बिनेशन में मैंने पहले गाने गाए हैं इंडिविजुअली, दोनों के साथ बहुत काम किया है, बट गुलजार अंकल के लिए मेरे दिल में जो रिस्पेक्ट है, और मैं जो उनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ, और उनको स्टूडियो में देख के ही बिल्कुल दिल खुश हो गया. सो आई वॉज रियली, आई न्यू दैट दैट सॉन्ग वुड बी प्रॉब्ली योर लाइफ माइलस्टोन सॉन्ग फॉर मी. एंड देन आई गॉट टू नो इट्स फॉर यश चोपड़ा जी. हिज He was directing a film after many, many, many years. So this combination of A.R. Rehman Saab, Gulzar Saab, and the late Yash Chopra ji was unique, was happening for the first time, and I couldn't have asked for a better team of mentors to guide me throughout the recording. It's a beautiful romantic song from Jab Tak Hai Jaan to all the lovers and people who love to love this dear guys.
ओके गाइस, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं। इस गाने से पहले मैंने कुछ इस गाने के बारे में, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कहा, आपको शायद याद होगा क्या क्या कहा। तो प्रश्न ये है, टेल मी हु आर द थ्री स्टॉलवर्ड्स हु मेड दिस सॉन्ग रियली हैपन। आंसर इट क्विकली। अब बारी है उस एक गाने के लिए जो कि बहुत ही ख़ास है, और ये मुझे लगता है कि मुझे बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए अपने ऑडियंस के लिए, बिकॉज दिस सॉन्ग इज़ एक्चुअली अ स्मॉल फीमेल वर्जन इन द फिल्म, बट इवन इफ इट वॉज नॉट द मेन सॉन्ग, इसको इतनी सराहना मिली है। छोटा सा ही भाग है मेरा उसमें, पर उसकी एक अलग ब्यूटी है और एक अलग सोलफुलनेस है। सो आई गिव इट कम्प्लीटली टू यू गाइज, योर ऑडियंसेस, जिन्होंने इस गाने को सराहा और इसको इतना प्यार दिया और इस गाने को मेरी ज़िंदगी से जोड़ दिया। एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस टू यू गाइज, बिकॉज अपनी ऑडियंस में, अपने माँ बाप में, अपने भाई, अपने फ्रेंड्स में ही मैं रब को देखती हूँ। सो दिस इज़ टू यू गाइज। कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा का रिश्ता नया ना।
वेल ऋषिकेश, अब मैं जो गाना गाने वाली हूँ आप लोग ने ही भेजा है, आपकी रिक्वेस्ट है, एंड आई एब्सोल्युटली अग्री, दिस इज़ सच अ फन सॉन्ग. हर बार जब हम स्टेज पे गाते हैं, हर बार कॉन्सर्ट में जहाँ भी गाती हूँ, लोग झूम उठते हैं, साथ में गाते हैं, दे रिमेंबर ऑल द डांस स्टेप्स, ऑल द वर्ड्स, बच्चे हों या यू नो सीनियर्स, एवरी वन जॉइन इन. दिस इज़ एक्चुअली अ सॉन्ग which is composed by my very, very good friends, Vishal and Shekhar. My association with them has been for years. But this was a something of a very different kind of a song. After Ulala, this was not as wacky as Ulala, but it had the masti. And this happened to be the debut of a very young set of actors. Student of the Year film ka naam hai. Aur jab main गा रही थी ये गाना, उसका जो एडलिप पार्ट है वो बड़ा सुकून से डिवोशनल स्टाइल में शुरू होता है, एंड कट टू इट गोज इनटू अ वेरी फुल जोश एंड मस्ती, है ना, सरप्राइज एलिमेंट है उसमें, परफेक्ट. व्हेन आई वाज सिंगिंग द सॉन्ग, आलिया भट्ट एंड वरुण धवन एंड सिद्धार्थ हैड कम. आफ्टर फिनिशिंग एक्चुअली आई सॉ दे वर देयर, एंड मुझे बाद में बताया गया कि दीज आर द एक्टर्स. फॉर आलिया आई वाज सिंगिंग, आई सेड पहले बताया होता, बिकॉज शी इज़ सच अ यंग बेबी, वेरी फ्रेश, एंड यू नो देयर समथिंग वेरी इनोसेंट अबाउट हर, एंड द वे इट्स बीन पिक्चराइज, एब्सोल्युटली ग्लैमरस, धर्मा प्रोडक्शन. दिस इज, आई वॉन्ट यू ऑल गाइज टू डांस ऑन इट वाइल यू आर वॉचिंग दिस, ओके? सो दिस इज टू ऑल यू गाइज, हैव फन.
to party. Radha likes to move that sexy Radha body. Radha on the dance floor. Radha likes to party. Radha likes to move that sexy Radha body. Thank you guys, thank you my boys, my band, thank you so much, thank you Rishikesh. I had a blast and I hope aap logon ko bhi bada maza aaya hoga. Aaj dekhiye itne khush chehre hain sabke, daant dikhe, wah wah wah, ye hansi amulya hai. So thank you, you are guys are the best musicians in this country and I feel very proud to be associated with these anmol ratnas. Well, ab wo waqt aa gaya hai dosto जिसके लिए आप बहुत बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं. नाउ द टाइम हैज़ कम. आई होप यू आर रेडी. आप सबके साथ हमने एक जर्नी शुरू की थी प्रोजेक्ट रिसाउंड सोनी इंडिया के साथ और उसका प्रारंभ था नैना चार. सबके लिए एक बहुत बड़ा कौतूहल था. आज वो एक्साइटमेंट, वो एंटिसिपेशन, वो कौतूहल, वो सरप्राइज़ सबके सामने रिवील होगा, जिसको बनाया है नरेश परेश हमारे कैलासा ने. एंड अलोंग विद माय कैलासा देर आर वंडरफुल ग्रेट कोलीग्स म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं. और श्रेया, आप रिवील करेंगे. This is your song to the wonderful audience and our fans. I would like to thank you, Kailashji, Kailasa, for giving me such a beautiful opportunity, such a beautiful composition, a different space altogether, musically and also creatively, to be a part of Naina Achar. This was one of the most special moments of my life. Thank you. And guys, ये लंबा इंतजार हमने आपके साथ ही बिताया है. हम भी बहुत बेसब्री से इंतजार में थे. Let's go for this. Naina Achar for you. नैना चार, नैना
जी पत्थर पिघलावे ये ना पिघले पाश करे वशीकरण जादू टोला सा धड़के जो छाती के भीत तिकोना सा के पहरी भेदी ढूंढ रहे डमरू बजा बजा गागा लहरी तीखे हैं मीठे हैं ये बहलावा है भरम रचे खूब जचे महज दिखावा है ये बहलिया was a blast, wasn't it? Thanks everyone for tuning in and making it so much fun. हाँ, और आप लोगों के काफी comments भी आ रहे हैं, तो उससे भी हम लोग काफी खुश हैं. Do write in. We would love to hear your views on Nainachaar. It was a fantastic experience. सिर्फ ये concert ही नहीं, हमारी पूरी journey, हमारा पूरा project, Resound. आपने देखा कि एक गाने के पीछे कितना कुछ होता है? So much effort put in, so much attention to every detail. सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हर आर्टिस्ट अपने म्यूजिक में अपनी जान डाल देते हैं, हर नोट परफेक्ट बनाने, हर साउंड की माइन्यूट डिटेल्स ऐड करने के लिए. But all this is only useful if it reaches you. That's why how you hear the music is just as important as what you listen to. And that was the purpose of this project, to make you understand the purity of sound. ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई है, हमने सिर्फ मशाल जलाई है. हाँ, and now you have to spread the word to the world. So carry the baton and make the world upgrade its ears. Thanks again for joining us. See you soon.